आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। छात्रों, जैसा कि आप लोगों के द्वारा यह सूचना दी गई, सर फार्मूला मुझसे याद ही नहीं होता है, तो यही एक विषय मेरे लिए बना कि आप लोगों को फार्मूला कैसे आसानी से याद कराई जाए। इसके लिए सबसे पहली चीज़ आप लोग एक बात समझिए, कोई भी चीज़ याद कैसे होती है और कोई भी चीज़ भूलती कैसे है। किसी भी चीज़ को याद रखना है तो उसको प्रतिदिन देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो कि प्रतिदिन क्या प्रति क्षण आप लोग देखोगे, जिसके चलते आप लोग जिंदगी में कभी भी त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भूल ही नहीं पाओगे। पूरे वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। मैं आप लोगों के शरीर को माध्यम बना रहा हूँ, हर व्यक्ति अपने शरीर को हमेशा देखता है, इसीलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए। जैसा मैं बता रहा हूँ खाली सोचिए, इस पे अभी आप लोगों के दिमाग में तर्क आएगी कि सर इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो अभी तर्क को भूल जाइए, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं इसको अगले पीरियड में चर्चा करूँगा। मैं त्रिकोणमिति में वास्तव में होता क्या है, दो ही आइडेंटिटी है, सर्वसंख्या है, एक है साइन दूसरा है कास। अब आप लोग बोलोगे सर टैन को कहाँ छोड़ रहे हो, टैन सर्वसमिका नहीं है, टैन क्या होता है, अनुपात होता है। तो आप लोग सबसे पहले देखिए क्या है साइन और कास, ये हमारा कौन सा साइड है, राइट साइड। राइट साइड में हमेशा साइन होता है, लेफ्ट में हमेशा कास होता है। ये कंधे यहाँ देखिए, अब ये क्यों होता है, ये तर्क कुतर्क में मत जाइए, क्यों होता है अगर चाहिए तो इसको मैं अगले पीरियड में वो भी बता दूंगा। फिर से सुनिए, यहाँ पे क्या है साइन है और यहाँ पे कास है। गुरु के चरणों को देखोगे तो कल्याण होगा, इसलिए देखो जरा मेरे चरण को देखो, ये देखो इस साइड मेरे लेफ्ट साइड में, यहाँ का उल्टा कहाँ होगा, यहाँ नीचे होगा, इसका उल्टा कहाँ होगा, नीचे होगा। तो यहाँ साइन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोसेक। यहाँ कास है तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, सेक। देखिए मैं फिगर से कोशिश करता हूँ, ये आपका एक साइड का कंधा है, ये दूसरे साइड का कंधा है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, साइन थीटा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, कास थीटा। अब देखिए हर आदमी के पास एक नाभि न्यूक्लियस होता है, आप लोगों के पास है कि नहीं है, किसी के पास क्या दो है, नहीं एक ही होगा। तो अगर आप यहाँ से चलिए और यहाँ से चलिए, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या आएगा, कोशिका आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। अब एक लाइन यहाँ से खींचिए, ये क्या हो गया, टैन थीटा, ये क्या हो जाएगा, काट थीटा। फिर से सुन लीजिए, इस वीडियो में आप इतना सीख रहे हैं, बिना तर्क कुतर्क के आप मेरी बात सुनते जाइए। आप अगले पीरियड में देखेंगे जो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180, जो 54 फार्मूला है, आप सिर्फ इसी के द्वारा दो मिनट में समझ जाएंगे, या जो आगे के चैप्टर्स हैं जितने भी फार्मूला हैं सारे फार्मूला इतने में आ जाएंगे। फिर से एक बार सुनिए, हमने क्या बोला, ये राइट साइड, राइट साइड के कंधे पे यहाँ पे क्या है साइन, इसका उल्टा क्या हुआ, लेफ्ट का पैर, वहाँ पे क्या है, कोशिक, ये क्या है, लेफ्ट सोल्जर है ना, यहाँ पे क्या है, कास, यहाँ नीचे क्या है, सेक। अब रही बात टैन और काट, देखिए जहाँ मेरा घड़ी है तो ये राइट साइड में यहाँ पे क्या आएगा, टैन, इसलिए हमने क्या लिखा, टैन, यहाँ पे क्या लिखा, कोशिक। हमने पूछा था आप लोगों के पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है कितना है, एक ही है। अब ये बताइए दिन और रात, दिन का उल्टा क्या है, रात, दिन और रात को अगर मिला दोगे तो क्या होगा, एक दिन। फिर से सुनिए, दिन का उल्टा क्या होता है, रात, दिन और रात को मिला तो क्या हुआ, एक दिन हो गया। तो वैसे ही अगर ये और ये एक का उल्टा दूसरे के साथ मिला रहे हो, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या जाएगा, वन। ऐसे ही सेक थीटा इंटू कास थीटा, ये क्या जाएगा, वन। ऐसे देखो काट थीटा इंटू टेन थीटा, ये क्या जाएगा, वन। अब देखिए यहाँ से कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, वन अपान साइन थीटा, सेक थीटा क्या आ जाएगा, वन अपान
कास थीटा, ऐसे ही काट थीटा क्या आ जाएगा, वन अपान टेन थीटा। छात्रों ये सारे फार्मूले ही हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखिए, अगर आप इधर से इधर चल रहे हैं ये क्या होगा, देखो ये टेन, अगर दो में चलोगे तो ये टेन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपान काट थीटा। ऐसे ही काट थीटा क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा अपान सेक थीटा। कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा अपान टेन थीटा। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सीधे इस साइड से इस साइड, मतलब क्या है, आप अगर एक को ले रहे हैं तो अगला तो क्या होगा, उसका अनुपात रेशियो हो जाता है। कोई भी एक पकड़िए, उसके बाद जो होगा उसका दो का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। आशा है इतना आप समझ गए होंगे, ये सारे आपके फार्मूले ही हैं, आप लोग देख रहे होंगे सारे ये सब फार्मूले ही हैं। इसी प्रकार यदि आप लोग इस दिशा में चलें, ये कौन सी दिशा थी, क्लॉकवाइज, अभी जो आपने पढ़ा वो कौन था, क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉक चलें तो भी सेम होता है, कोई भी एक आइडेंटिटी लेंगे तो अन्य दो का अनुपात होगा। देखिए यहाँ काट थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कॉस थीटा क्या आया, साइन थीटा अपान टेन थीटा। टेन थीटा क्या आ गया, सेक थीटा अपान कोसेक थीटा। कुछ भी कोई भी लीजिए आप, कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, काट थीटा अपान कॉस थीटा। छात्रों जैसा कि आपने देखा, पहला वाले जो था उसको बोलते हैं व्युत्क्रम फार्मूला, इनवर्स फार्मूला, जो था कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपान साइन थीटा, सेक थीटा वन अपान कॉस थीटा, काट थीटा वन अपान टेन थीटा। ये जो है ये क्या आ रहा है, रेशियो अनुपात। अगर इसी तरह से आप ऐसे चलें, मैंने क्या किया, देखो इसको इसको लिया, ठीक है, ऐसे ही इसको ऐसे, देखिए यहां से क्या होगा, अगर ये और ये का स्क्वायर मिलाओगे तो ये क्या आएगी, इसकी वैल्यू वही वन ही आएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए ये जहां एरो जा रहा है इक्वल उसी कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस काट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही देखिए ये क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसको जनरली इस तरह से लिखा जाता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने महसूस किया होगा इस चैप्टर में इससे अधिक फार्मूला है ही नहीं। आप लोग देखें कितना आसान लगा, आशा है समझ गए होंगे। अगला वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर जरूर करना और बेल को भी जरूर दबा देना। अगले पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा वगैरह वगैरह, इसके फार्मूले को। थैंक यू।